तो हम आज बात कर रहे हैं अपना पावर क्वेरी एडिटर के बारे में, राइट। तो यहाँ पे जैसे पावर क्वेरी एडिटर में यहाँ देखिए आपका स्टेप होता है, क्या होता है स्टेप होता है। अब मान लीजिए किसी स्टेप को आप हटाना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे सोर्स आ जाता है, नेविगेशन आ जाता है, या आपके परमिटेड हीडर आ जाता है। देखिए जो हीडर जो है ऑटोमेटिक प्रमोट कर देता है, अगर नहीं होगा तो फिर आपको करना पड़ता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना डेटा टाइप टेक्स्ट है, तो हर डेटा टाइप का अपना अलग, हर कॉलम का अपना अलग अलग टाइप होता है। जैसे आपका नंबर हो गया, ये नंबर में भी आपका होल नंबर है, डेसिमल नहीं है, यहाँ से अपना डेसिमल को सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा टाइम जो करना चाहे डेटा टाइप को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके कभी कभी क्या होता है डेटा में हमारा फर्स्ट हीडर नहीं होता है, तो सिलेक्ट करके आप उसको फर्स्ट हीडर वन कर सकते हैं, और रिप्लेस वैल्यू तो लास्ट हमने बताया था। और आप जरूरी नहीं कि एक ही डेटा पे, यहाँ पे कई सारे डेटा को भी आप ला सकते हैं, कई सारे डेटा पे भी काम कर सकते हैं। अब डेटा के लिए, डेटा लाने के लिए वापस आपको पावर बीआई में जाने की जरूरत नहीं है, आप पावर क्यूरी में ही यहीं से यहाँ से आपका डेटा को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब जैसे कि मुझे मुझे यहाँ पे दो डेटा चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं एक कोई और लेके आता हूँ। मेरे पास क्या है कि एक ही सीट या अलग अलग दो फाइलें हैं, और दोनों फाइलों का डेटा मुझे एक के नीचे एक चाहिए, ठीक है, एक के नीचे एक चाहिए। ये आप डिलीट नहीं होता तो सोर्स में यहाँ पे इसको हम यहां से डिलीट कर देते। तो यहाँ पे डेटा सोर्स यहाँ पे आता है न्यू सोर्स फ्रॉम एक्सेल, और इसमें हम अपने लोकेशन पे आते हैं, एमएफ डीडी डीडी, यहाँ पे 7 नंबर को हम ओपन करते हैं। इसमें दो फाइल है, दो डेटा है, देख रहे हैं आप, दोनों डेटा में आपको लिया है, राइट। तो डेटा टू एंड डेटा वन, अब दोनों डेटा देख रहे हैं आपका, कि जैसे मान लीजिए ना कि ये दो अलग अलग टीम का डेटा है, लेकिन मुझे जो पावर बीआई में रिपोर्ट बनानी है इन दोनों को कंबाइन करके बना, जिसे एक के नीचे एक पेस्ट करके बना। मेरे पास यहाँ पे दो क्यूरी है, तो पहला आपका क्यूरी आता है वो आता है मर्ज क्यूरी। मर्ज क्यूरी में क्या होता है कि दो अलग क्यूरी है उसको आप मर्ज कर सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो सिमिलर होगा वो मर्ज हो जाएगा। जैसे रिलेशनशिप भी हम कर सकते हैं ना, बता तो अपेंड क्यूरी मतलब कि हम एक के नीचे एक पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ आप अपेंड क्यूरी पे आएंगे। अपेंड क्यूरी में पूछता है कि विथ इन टू टेबल्स या मोर देन टू टेबल्स। एक पहला टेबल जो आपका हाइलाइटेड था वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसके नीचे आप उस टेबल को ऐड कर सकते हैं। तो कई सारे फाइल्स को आप यहां पे कर सकते हो, बस आपको लोड करवाना है, तो फाइल को सिलेक्ट करके वन बाय वन ऐड कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हेडिंग सबका सेम हो, कम ज्यादा होगा चलेगा। जैसे मतलब किसी डेटा में आपका फरवरी नहीं है तो फरवरी को ब्लैंक छोड़ देगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी माने कि किसी का कुछ है किसी का कुछ है तो दिक्कत हो, समझ गया सर, जी एंड ओके। अब यहां जो मेरा डेटा आया, अब इसमें मेरा दोनों दोनों फाइल का डेटा आया, अब इसको मैं लोड कर सकता हूं कमांड क्यूरी, समझ गया। जी ये अपेंड क्वेरी है, राइट। हाँ, अपेंड क्वेरी कंबाइनिंग के सिस्टम में आता है ना। अब हम मर्ज क्यूरी के बारे में बता करते, लेकिन मर्ज क्यूरी का उतना यूज नहीं होता, क्योंकि मर्ज क्यूरी को यूज हम रिलेशनशिप से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम मर्ज क्यूरी पे आते हैं, तो मर्ज क्यूरी में अब ये जैसे कि ये हमारा डेटा है, ठीक है, और यहाँ पे डी टू को सिलेक्ट कर, दिख गया। तो ये दोनों के बीच में ज्वाइन लगेगा, तो यहाँ पे ज्वाइन काइंड, तो यहाँ पे लेफ्ट आउटर फॉर ऑल मैचिंग रिकॉर्ड, दिख रहा है आपको, फुल आउटर ऑल रोज ऑफ बोथ, इनर ओनली मैचिंग रोज, दिख रहा है आपको सर। तो ऐसे मान लिया फुल आउटर कर दिया हमने, और फिर उसको फुल आउटर कर दिया, फुल आउटर इसमें नहीं होगा, इसमें लेफ्ट ही होगा, इसमें लेफ्ट नहीं लेगा। अच्छा,
बेसिकली इन दोनों के बीच में कोई किससे मैच करना है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नेम और नेम को मैच करें, राइट सर। अब मैं फुल आउटर सिलेक्ट करता हूँ तो फुल आउटर ले लिया, इससे पहले नहीं ले रहा था क्योंकि हमने मई को सिलेक्ट कर रखा था। तो दोनों में आपको उस फील्ड को सिलेक्ट करना, पर मई में भी तो हो जाना चाहिए था तो सर ऊपर हमने कुछ और सिलेक्ट कर रखा था ना, ठीक है। एंड हाँ ओके कर दिया, यहां देखिए आया ना, यहां पे आपको दिख रहा है। अब मान लीजिए इसको मैं लोड करता हूं, लोड एंड क्लोज करता हूं, तो क्या होगा? डेटा पे आते देखें, ये आपका D2 का डेटा। लेकिन मर्ज क्यूरी में तो फर्क तो नहीं दिखा क्योंकि मैंने दोनों डेटा सेम रखा। चलिए माय काम का तो डेटा अप्रैल का डेटा हमारा है, जनवरी में 49 है, पूजा 49, पूजा 69, पूजा 77 दिखा आपको सर यहाँ पे रिपीट है ना जी। हाँ डेटा में, और हम D2 की बात करें डेटा में देखिए पूजा पे 49 पूजा दिख रहा है आपको सर, अब पूजा यहाँ 77 दिख रहा है। तो यहाँ इसने डेटा में उस चीज को रिपीट कर दिया, आ गया सर 49, 69, 77 मिक्स हो गया। लेकिन इसने पूजा पूजा को रीड करके लिया हुआ है, बात समझे। मर्ज क्वेरी में क्या होता है कि रिलेशनशिप